सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो गाइस, एक वायरल न्यूज में लेके आज को, जैसे कि आप लोग को पता है, अभी जल्दी अदनान 07DZ की शादी हुई है और काफी धूमधाम से हुई है। उसमें काफी बड़े बड़े एक्टर, सेलिब्रिटी, यहाँ तक फैजू भी पहुंचे हुए थे। काफी धूमधाम से हुई है और अदनान ने अपनी वाइफ आयशा शेख का फेस रिव्यू नहीं किया था। बहुत ही हाइडन तरीके से रखा गया था, सबको मना था कि कोई भी उनकी वीडियो या फोटोज नहीं ले सकता है, तो किसी ने लिया भी नहीं। तो गाइस, अभी जल्दी आयशा शेख की फोटो अदनान की बहन ने वायरल कर दिया है और बताया जा रहा है अदनान की वाइफ आयशा शेख का रियल नाम निधि है और उन्होंने धर्म परिवर्तन करा है और उनकी फोटो भी लीक हो चुकी हैं, जैसे कि मैं आपको उनकी फोटो दिखा रहा हूँ। तो गाइस, ये रही आयशा शेख की कुछ फोटोज जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये आयशा की पहले की फोटोज हैं, आई थिंक 4-5 साल पहले की है, जब आयशा मॉडलिंग करती थी और उनका नाम भी कुछ और था। गाइस, अब पता नहीं है सच है कि झूठ कि आयशा हिंदू है या मुस्लिम है या उसने अपना धर्म परिवर्तन करा है। तो गाइस, ये कुछ और फोटोज मैं आपके सामने ला रहा हूँ, आप देखिए और कमेंट करके बताएं क्या ये सच है कि झूठ। तो गाइस, ये रही आयशा शेख की फोटो। यार बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि ये रियल है कि फेक है। आयशा ने ऐसा क्यों करा, धर्म परिवर्तन क्यों करा, अदनान ने ये चीज क्यों छुपाई, कुछ भी नहीं पता है। अब ये चीज तो आयशा और अदनान को ही पता होगा या 07DZ की पूरी टीम को। काफी धूमधाम से उनकी शादी हुई थी, काफी परफॉर्मेंस भी करा गया था, फैजू ने करा था। तो गाइस, बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि अदनान शेख ने ऐसा क्यों करा, लोगों से सच्चाई क्यों छुपा, आयशा शेख का फेस शादी में क्यों नहीं दिखाया, क्यों सबको फोटो और वीडियोस लेना मना था। गाइस, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है सोशल मीडिया पे कि अदनान शेख जितना वायरल है, टिकटॉक स्टार है, यूट्यूबर है, इतना बड़ा यूट्यूबर हो कि उसने ऐसा क्यों करा, उसने पब्लिक को सच्चाई क्यों नहीं बताई कि आयशा शेख रिधि है, उनका धर्म परिवर्तन किया गया है, अदनान ने ये चीज क्यों छुपाई। तो गाइस, बहुत बड़ी ये मिस्ट्री बन चुकी है कि अदनान ने ऐसा क्यों करा, बहुत कंफ्यूजन चल रही है। और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अदनान की बहन ने उसका फेस रिव्यू करा, बहुत बड़ी गाइस मिस्ट्री बन चुकी है। जिन जिन लोगों को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आयशा शेख सही में धर्म परिवर्तन करा है, उसका क्या रियल नेम निधि है, आयशा शेख ने अपना फेस रिव्यू क्यों नहीं किया, अदनान ने क्यों मना करा था सबको फोटोज और वीडियोज लेने के लिए। तो गाइस, बहुत बड़ी मिस्ट्री है, जिन जिन लोगों को पता हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और अदनान शेख पे काफी ब्लेम लगाया जा रहा है कि उसने अपनी बहन को मारा है और घर वालों का सपोर्ट नहीं था, बहन को घर से निकाल दिया था और शादी में नहीं बुलाया था। और गाइस, फैज बलोच की एक्स भी आई हुई थी, तो क्या फैज बलोच शादी में नहीं थे? आई थिंक वलीमा में फैज बलोच को नहीं देखे गया है। तो गाइस, ये सच है कि झूठ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ये मुद्दा बहुत बड़ा बन चुका है आयशा के ऊपर कि आयशा शेख ने ऐसा क्यों करा, टीम ने करा था 07DZ की और काफी सेलिब्रिटी आए थे, जैसा कि आपका बिग बॉस से निकली हुई शिवानी, अदनान बिग बॉस में था, काफी बिग बॉस की टीम आई थी, काफी वहाँ की सेलिब्रिटीज आए थे। तो गाइस, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि ये सच है या झूठ और अदनान की बहन ने ऐसा क्यों करा। अदनान की बहन ने ये ब्लेम भी लगाया है अदनान के ऊपर कि उन्होंने किसी हॉस्पिटल के बाहर उसको मारा और आमिर सिद्दीकी ने भी मारा। तो गाइस, ये सच है कि झूठ कुछ भी नहीं पता, इस चीज की वेरीफाई पुलिस वाले कर रहे हैं, काफी एक्सप्लोर हो रहा है ये सब, तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है सच है झूठ। और आयशा शेख ने ऐसा क्यों करा, पूरी शादी में आयशा ने फेस मास्क पहना हुआ था, किसी ने नहीं देखा, बट आज उसकी फोटोज वायरल हो गई हैं। तो गाइस, पता नहीं क्या है, बस मेरे पास ये न्यूज आई तो मैंने बोला कि सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो गाइस, ये न्यूज फेक है या रियल, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइस, ये व्लॉग मेरा यहीं तक था, कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग प्लीज लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताएं और अपने भाई को सब्सक्राइब कर लें, मैं ऐसी ही वायरल न्यूज आपके पास लाता रहूंगा। ओके गाइस, मिलते हैं आपके नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।